गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग आज के लिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं मीठी बोली कहानी सुना रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास बहुत धन था लेकिन उसकी कोई संतान ना थी। बुढ़िया बड़ी नेक और दयालु थी। देखिए ये बूढ़ी माता है, ठीक है, और दयालु ये नेक है। कहानी का नाम है मीठी बोली। नेक और दयालु थी, गांव वाले भी उसकी मदद करते थे। एक दिन गांव के दो लुटेरे घुस आए। वे नंगी तलवार लेकर पहले बुढ़िया के घर में आए। उन्हें देखकर बुढ़िया डर गई लेकिन संभलकर कोमल स्वर में उससे बोली, आओ बच्चों, कहां से आ रहे हो, क्या चाहते हो। एक लुटेरे ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और बोला, जो कुछ तेरे पास है निकाल कर रख दे, नहीं तो मारी जाएगी। किसने बोला? डाकुओं ने बोला। बुढ़िया घबराई नहीं, प्यार से बोली, अच्छी बात है बेटा, तुम दोनों बैठो, पहले कुछ खा लो। लुटेरे हैरान रह गए। फिर एक बोला, बुढ़िया तुम्हें डर नहीं लग रहा? बुढ़िया ने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी, वे विवश हो गए। आखिर उन्होंने बुढ़िया का खाना खाया। किसने? डाकुओं ने। आंख में आंसू भरकर फिर बोली, बेटा तुम मेरे पास रह जाओ, मुझे बुढ़ापे में दो जवान बेटे मिल जाएंगे। पहले तो वे बहुत घबराए डाकू, लेकिन बुढ़िया की बात से वे उसके पास रह गए। बुढ़िया दोनों को अपनी बाहों में भर कर बोली, अब तू चोरी मत करना, मेरे पैसे से कोई काम करो और आराम से रहो। बुढ़िया की मीठी मीठी बातों से दोनों लुटेरे का मन क्या हुआ, फट गया और वह भला आदमी बन गया। तो ये था मीठी बोली कहानी। यदि आप लोगों का कोई काम बिगड़ जाता है तो किसी से आप अच्छे से बात करेंगे तो आपका काम क्या होगा, बन जाएगा। तो मीठी बोली में इतनी ताकत होती है। सभी बच्चों को आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।